Hello everyone, welcome back to my YouTube channel IELTS with MK. I hope guys आप लोग बहुत अच्छे होंगे. So guys, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्काउंट लेकर आई हूँ टीचर्स डे के ऊपर. सो जिसमें आपको 1200 डिपॉज़िट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ 900 पर मॉड्यूल डिपॉज़िट करवाने हैं. टू टाइम स्पीकिंग होगी दिन में और राइटिंग चेकिंग भी इंक्लूड होगी. स्पीकिंग के नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और सारे मॉड्यूल्स को डेली बेसिस पे डिस्कस किया जाएगा. आप लोग सिंगल मॉड्यूल को भी ज्वाइन कर सकते हो. सो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो इस गिवन नंबर के ऊपर टेक्स्ट करके ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है. ये जो ऑफ़र है कल रात तक रहेगा. सो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो गिवन नंबर के ऊपर टेक्स्ट करके ज्वाइन कर सकता है. सो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी ऑनलाइन क्लास की राइटिंग की वीडियो. आई होप आपको समझ में आ जाएगा. अगर समझ में आ जाए तो सब्सक्राइब चैनल को डेफिनेटली करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना. क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग द 20th century कंटेक्ट बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैज़ डेवलप रैपिडली. जो कंट्रीज़ के बीच में कंटेक्ट्स हैं वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहे हैं थैंक्स टू एयर ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन. किसकी वजह से कंटेक्ट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं? एयर ट्रैवल और कम्युनिकेशन की वजह से. टू वट एक्सटेंट सोसाइटी बेनिफिट फ्राम द इंक्रीज कंटेक्ट्स एंड क्लोजर रिलेशनशिप्स विद फॉरनर्स. सो इसका क्या फ़ायदा होगा सोसाइटी को, वो हमने एक्सप्लेन करना. ठीक है, एयर ट्रैवल और क्लोज़र रिलेशनशिप का क्या बेनिफिट होगा सोसाइटी को, वो हमने एक्सप्लेन करना है. ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमने इसको करना है चेंज अपनी वर्डिंग में. हम इसको चेंज करेंगे. देखो, इट इज़ कंसीडर्ड दैट ड्यूरिंग द 20th century मैंने लिख दिया ओवर द पास्ट डेकेड कंटेक्ट्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लिंक बिटवीन डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द ग्लोब. ग्लोब मीन्स वर्ल्ड. डिफरेंट डिस्टिंक्ट कंटेक्ट लिंक्स हैज़ फ्लॉरिश्ड रैपिडली डेवलप्ड रैपिडली. ठीक है, फ्लॉरिश हो रहे हैं स्पीडली ड्यू टू एयर ट्रैवलिंग एज वेल एज टेली कम्युनिकेटिंग. एयर ट्रैवल को एयर ट्रैवलिंग कर दिया. ठीक है, टेली कम्युनिकेशन को टेली कम्युनिकेटिंग कर दिया. आई लार्जली अग्री दैट मैं इससे सहमत हूँ. कम्युनिटी बेनिफिट फ्रॉम सर्च कॉन्टैक्ट्स जो सोसाइटी को लिख दिया मैंने, कम्युनिटी बेनिफिट का बेनिफिट रहने दिया. ठीक है, इंक्रीज का सर्च कंटेक्ट का कंटेक्ट ही रहने दिया. क्लोजर रिलेशनशिप इंटरपर्सनल रिलेशंस. फॉरनर्स का फॉरनर्स रहने दिया. ब्रॉड का ब्रॉड रहने दिया. इंटरनेशनल टूरिज्म का वर्ल्ड वाइड टूरिज्म कर दिया. बिजनेस का एंटरप्राइजेस कर दिया. मतलब जिसका मेरे को उतना नियम आता है उसको मैंने चेंज कर दिया, जिसका मेरे को उतना नियम नहीं आता है वो मैंने सेम का सेम ही रहने दिया. कोई कंपल्शन नहीं है, अभी आपने सभी को ही चेंज करना है. अगर आप इसको पढ़ोगे और मेरे वाले को पढ़ोगे दोनों का मीनिंग सेम है. मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ मैंने बीच में स्नानियम्स ऐड किए हैं और ये स्नानियम मैंने आपको पहले ही करवा दिए हैं. ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है. ठीक है ना, वही सारी वोकैबुलरी है, वही सारे वर्ड्स हैं जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं. सो मैंने आपको वो वोकैबुलरी करवाई है जो कि आप आराम से कोई भी टॉपिक के ऊपर है वो फिट कर सकते हो. ठीक है, सो ऐसे वाले वर्ड्स आपने हमेशा रिमेंबर रखने हैं. जो बच्चे फ्रेशर हैं डोंट वरी, उनको भी बहुत जल्दी ये सारे वर्ड्स हैं वो मैं प्रोवाइड करूँगी एंड आपने इसी के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना. ठीक है, तो BP1 देखो सबसे पहले. तो क्वेश्चन में हमें बेनिफिट्स था तो BP1 हमारा ऑपोजिट बनेगा ड्रॉबैक्स का. क्वेश्चन में यही था ना, टू व्हाट एक्सटेंट बेनिफिट्स, तो फिर BP1 किसका बनता है? ऑपोजिट बनता है ना थीसिस से. तो थीसिस में तो मैंने ये बोला कि हाँ भी सोसाइटी को फ़ायदा मिलेगा, तो BP1 मेरा किसका होगा? ड्रॉबैक्स का होगा. अब मैंने सारे नुकसान बताने हैं टेली कम्युनिकेशन और एयर ट्रैवल के. टू कमेंस विद ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स से कमेंस करते हैं, शुरू करते हैं. द पैरामाउंट पिटफॉल, पैरामाउंट मीन्स इम्पॉर्टेंट
pitfall. Pitfall means disadvantages. It leads to extreme pollution. Air travel और telecommunication से क्या होता है, pollution increase होता है. अब ये चीज़ मैंने examiner को समझानी है, अभी pollution कैसे increase होता है. सो देखो, टू एक्सप्लेन इट का कनेक्टर यूज़ किया मैंने. एयरलाइन कंपनीज आर यूजिंग enormous fossil fuels. जो कंपनीज हैं ये एयरलाइन वाली बहुत फ्यूल कंज्यूम करती हैं, by which chances of frail contamination may be escalated in the atmosphere. जिसकी वजह से जो chances हैं किसके, frail contamination के. frail contamination सिनोनिम है pollution का, जिसकी वजह से क्या है, pollution escalate means increase होता है atmosphere में. That leads to deadly illness, जिसकी वजह से फिर society में फैलेंगी बीमारियाँ. ठीक है, मैंने नुकसान बताया क्या होता है. मैंने बोला कि जो एयरलाइन कंपनी है वो बहुत ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करती हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन की प्रॉब्लम है वो इंक्रीज़ होती है, और पोल्यूशन की वजह से फिर बीमारियां भी काफ़ी ज़्यादा हैं वो इंक्रीज़ होती हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा इट पुट डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट. डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट मीन्स बैड. ये बैड इम्पैक्ट डालता है ऑन स्मॉल स्केल बिजनेस. जो छोटे छोटे ट्रेड होते हैं, छोटे छोटे जो बिजनेस होते हैं उसके ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ता है. ओइंग टू इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग ऑफ गुड्स मैनी लोकल बिजनेस शट डाउन. सो मैंने क्या बोला कि इतना ज़्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है जिसकी वजह से क्या है, फिर जो लोकल बिजनेस है, जो छोटे छोटे बिजनेस हैं वो तो बंद हो रहे हैं. दस इट पुट डेवस्टेटिंग इफेक्ट ऑन सोसाइटी. सो इसका डेवस्टेटिंग मीन्स बैड इम्पैक्ट पड़ता है. किसके ऊपर, सोसाइटी के ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ता है. ठीक है, थीसिस में मैंने बेनिफिट्स बोला था तो BP1 मेरा ऑपोजिट बनना था, उसमें मैंने ड्रॉबैक्स बता दिए. एक मैंने बताया पोल्यूशन वाला, दूसरा मैंने स्मॉल स्केल बिजनेस शट डाउन होंगी ये वाला बता दिया. अब BP2 में बेनिफिट्स बताने हैं टेलीकम्युनिकेशन एयर ट्रैवल के, और BP3 में भी मैंने बेनिफिट्स बताने हैं. मूविंग टुवर्ड्स एडवांटेजेस, एडवांटेजेस की तरफ मूव करते हैं. हाउ इट इज़ वर्थ वाइल फॉर मासेस, कैसे ये वर्थ वाइल मीन्स बेनिफिशियल है लोगों के लिए. द प्रोमिनेंट वन, जो मेन बेनिफिट है इसका, इट डिमिनिश अनएम्प्लॉयमेंट रेट. इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट डिमिनिश होती है, कम होती है. टू एलैबोरेट इट, अब बताते हैं कैसे. एयर ट्रैवल एज वेल एज टेली कम्युनिकेशन ओपन द डोर फॉर डिस्पैरेट सॉर्ट ऑफ जॉब्स नॉट ओनली इन ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो इन एयरलाइन एजेंसीज विच जनरेट रेवेन्यू एंड बूस्ट इकॉनमी ऑफ द नेशन. सो मैंने क्या बोला, एयरलाइन ट्रैवल और जो टेली कम्युनिकेशन है इसकी वजह से बहुत सारी हैं जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वो जनरेट होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में भी, एयरलाइन एजेंसीज में भी, जिसकी वजह से क्या है, कंट्री की इकॉनमी भी बूस्ट होती है क्योंकि कंट्री में पैसा आता है. ठीक है, सो फ़ायदा बताया, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होती है, कंट्री ग्रो होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अ सर्वे वॉज कंडक्टेड, सर्वे कंडक्ट हुआ था, फाउंड दैट सिंगापुर इज़ टोटली डिपेंड ऑन एयर ट्रैवल एंड इंटरनेट इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट देयर GDP. जो सिंगापुर है वो टोटली डिपेंड है किसके ऊपर, एयर ट्रैवल और इंटरनेट के ऊपर, अपनी GDP को एक्सेलरेट करने के लिए, अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए. सिंगापुर किसके ऊपर डिपेंड है, एयर ट्रैवल के ऊपर ही डिपेंड है. देयरफॉर इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट इट इज़ द बेस्ट वे टू अमेलोरेट इकोनॉमिक कंडीशन. सो ये एक बहुत अच्छा तरीका है इकोनॉमिक कंडीशन को अमेलोरेट करने का. अमेलोरेट मीन्स इम्प्रूव, इम्प्रूव करने का एयरलाइन और टेली कम्युनिकेशन एक बहुत अच्छा तरीका है. अब BP3 में एक और बेनिफिट हमने बताना है, फर्दर स्ट्रेंथनिंग द व्यूज़. आपने आगे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं. इट इज़ गुड टू मेंटेन वेदर पी और अटेन नॉलेज अबाउट ग्लोब. सो ये एक बहुत अच्छा है
पीस को मेंटेन करने के लिए और नॉलेज को इकट्ठा करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। टू बी मोर प्रिसाइज, इफ इंडिजीनियस यूज़ एयर ट्रैवल अलॉन्ग विद टेली कम्युनिकेशन, अगर लोग हैं वो एयर ट्रैवल और टेली कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, देन इट विल हेल्प टू मेक इंटीमेट रिलेशनशिप विद ईच अदर। सो इससे क्या होगा, कंट्रीज़ के बीच में इंटीमेट रिलेशन होंगे, काफ़ी अच्छे रिलेशन्स हैं वो बिल्डअप होंगे, बिकॉज वेन इंडिविजुअल डू दिस, जब लोग एयर ट्रैवल और टेली कम्युनिकेशन करेंगे, देन कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग कंट्रीज़ मे बी प्लंज्ड। तो जो कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, वो कम होंगे। बिसाइड दिस, इसके साथ साथ मैनकाइंड कैन ग्रैब काउंटलेस इंफॉर्मेशन अबाउट देयर कल्चर, प्रोडक्ट्स, हिस्ट्री विद इन ए फ्यू सेकेंड। सो इससे क्या है, लोग एक दूसरे के कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, हिस्ट्री के बारे में ले सकते हैं और प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। सो फ़ायदा ही बताया मैंने, कुछ फालतू तो नहीं बताया। To epitome, it was a headline in the eminent newspaper. Headline आई थी eminent newspaper में, found that majority of the multitude prefer it for getting information easily, कि बहुत सारे जो लोग हैं वो इन्हीं का ही यूज़ करते हैं information को लेने के लिए। Hence, it's proof that, ये बात proof होती है, it helps to maintain harmony in the society. So society में क्या, इससे peace बना रहता है, harmony बनी रहती है, सो रिलेशंस काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे के बारे में नॉलेज को गेट कर सकती हैं। टू कंक्लूड इट, ऑल दो के बाद BP1, कॉमा के बाद BP2 और BP3 के पॉइंट्स। टू कंक्लूड इट, ऑल दो इट इंक्रीज द पॉसिबिलिटीज ऑफ टॉक्सिन्स एंड ऑल्सो क्लास्प मैनी लोकल वेंचर। मैंने बोला चाहे इससे पल्यूशन, टॉक्सिन मीन्स पल्यूशन इंक्रीज होता है और काफ़ी लोकल वेंचर्स, लोकल बिजनेस है वो कोलैप्स होते हैं, बंद हो जाते हैं। बट आई बिलीव दैट, मुझे ये बात लगती है, इट इज़ फ्रूटफुल, ये फ़ायदेमंद है फॉर कंट्री प्रोग्रेस, कंट्री को डेवलप करने के लिए, एंड ऑल्सो मेक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, और ये रिलेशनशिप्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है कंट्रीज़ के बीच में। ठीक है, ऑल दो के बाद BP1, कॉमा के बाद BP2 एंड BP3 के पॉइंट्स हैं, मैंने मेंशन किए। ठीक है, थीसिस में मैंने बोला था बेनिफिट्स, ठीक है, तो BP1 मेरा बना ड्रॉबैक्स का, BP2 बेनिफिट्स, BP3 बेनिफिट्स। कंक्लूजन में, ऑल दो के बाद BP1, कॉमा के बाद BP2 और BP3, दैट्स इट, ये मेरा स्ट्रक्चर था। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी समझ में नहीं आया तो वो मुझसे पूछ ले, अनम्यूट कर सकते हो खुद को, जो पूछना चाहते हो आराम से पूछो, हम डाउट्स को क्लियर करेंगे। ओके।